हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस। आई होप यू लाइक वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज टेबुलर प्रेजेंटेशन, जिसमें बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी आती है और एग्जाम में ये पेपर में आपसे जरूर पूछा जाता है। तो इसके जो क्वेश्चन है संदीप गर्ग के चैप्टर्स में से हम ये करा रहे हैं। बेसिकली तो आपको यही समझना है कि इनको किस तरीके से फ्रेम किया जाता है, इसमें यही है। टेबुलेशन की इसमें इंपॉर्टेंस वगैरह बता रखी है। इसके बाद जो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन है उसी में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको बेसिक क्लैरिटी हो कि इसको स्टार्ट कैसे करना चाहिए। तो हम पहले एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिससे हम इन्फॉर्मेशन को क्लासिफाई कर लेते हैं और उसके बाद इसे टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, उससे ज्यादा आसान हो जाता है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन 2020 आउट ऑफ द टोटल 360 स्टूडेंट इन कॉलेज, सबसे जरूरी है क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना। तो जब आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते हैं तो आपकी आंसरिंग उतनी ही परफेक्ट होती है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पहले आंसर पे भागने की जल्दी मत कीजिए, राइट। चलिए, इन 2020 आउट ऑफ द टोटल ऑफ 360 स्टूडेंट इन कॉलेज, तो ये बता रहा है कि 360 स्टूडेंट है कॉलेज में, 240 वर फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड द रेस्ट फॉर इको ऑनर्स। तो आपको सबसे पहले पता है क्या पकड़ना है, क्लासिफिकेशन कौन सा है। तो सबसे पहला उसने क्लासिफिकेशन यही दिया है कि बीकॉम ऑनर्स वाले स्टूडेंट अलग है, इको ऑनर्स वाले स्टूडेंट अलग है, तो मेरे चार्ट में भी यही होगा। उसके बाद कहता है 2021, तो बहुत क्लियर हो गया। तो पहला क्लासिफिकेशन जो है वो ईयर पर है और ईयर के बाद जो क्लासिफिकेशन है वो बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स पर। फिर कहते हैं 2021 में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 450 है, जिसमें से 320 इको ऑनर्स वाले हैं, ऑब्वियसली जो बचे हुए होंगे वो बीकॉम ऑनर्स के होंगे। टैबुलेट द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब इसको डील कैसे करना है, डील करने का जो बेस्ट तरीका है वो है, सबसे पहले आप इसका फ्लो चार्ट बना लीजिए, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2020 लिख दिया, पहला क्लासिफिकेशन यही है, और यहाँ पे मैंने 2021 लिख दिया। उसके बाद मुझे क्लियर है कि 2020 में भी वो क्लासिफिकेशन दे रहा है कि बीकॉम ऑनर्स के अलग करो और इको ऑनर्स के अलग करो। बिल्कुल वैसा ही आपका फ्लो चार्ट होना चाहिए जब आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा। तो यही मैंने यहाँ लिख दिया बीकॉम ऑनर्स और यहाँ पे मैंने लिख दिया इको ऑनर्स, राइट। अब आपने क्या करना है, 2020 में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, ब्रैकेट में आ जाइए 360, राइट। चलिए हम कलर अलग ले लेते हैं, 360 है आपके पास, राइट। और उसने खुद बताया कि 360 स्टूडेंट्स में से 240 बीकॉम ऑनर्स वाले, तो आप खुद बताइए अगर 360 में से 240 बीकॉम ऑनर्स वाले हो गए तो माइनस कर दीजिए 360 में से 240, तो 120 इको ऑनर्स वाले हो गए, क्लियर। अब आ जाइए 2021 पे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 450, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 450। अब 450 में से आपको बता रखा है कि इको ऑनर्स वाले 320 है, तो ठीक है पहले हम इको ऑनर्स वाले पुट कर देते हैं। तो 450 में से अगर इको ऑनर्स वाले 320 हैं तो माइनस कर दीजिए आपके पास 130 कौन से हो गए, बीकॉम ऑनर्स वाले। तो ये हो गई हमारी इंफॉर्मेशन क्लासिफाई इजी फॉर्म में कन्वर्ट। अब हमने इसका टेबल बनाना है, तो टेबल बनाते वक्त स्टब्स किसको बनाएं और कैप्शन किसको बनाएं, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि स्टब्स क्या होते हैं और कैप्शन क्या होते हैं। चलिए अब सबसे पहले आपको कैप्शन बताते हैं। तो सी फॉर कैप्शन और सी फॉर आप याद रखिए कॉलम है ना, कॉलम हेडिंग्स को हम लोग कैप्शन बुलाते हैं और जो रो हेडिंग्स होंगी उनको हम क्या बुलाते हैं, स्टब्स बुलाते हैं। रो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है और कॉलम्स वर्टिकल, राइट। तो जो वर्टिकल लाइंस है, जैसे सबसे पहले तो आपको टेबल का नाम देना है, तो हमें इसमें क्या दे रखा था कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने डिफरेंट कोर्सेज में एडमिशन ले रखा है 2020 और 2021 में, बीकॉम ऑनर्स और इको ऑनर्स। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका हेडिंग लिख सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस टेबल में शो कर रखे हैं आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कोर्सेस, राइट। ये आपकी टेबल की हेडिंग हो गई। अब मैं आपके सामने कॉलम्स लिख रही हूं, ठीक है ना। सबसे पहले तो मैंने ईयर लिख दिया यहां पर, और ये मेरा 2020 जो पहली इन्फॉर्मेशन है मैं जनरली उसको रो में लिख देती हूँ ताकि एक क्लियर कट आइडिया हो कि आप रो में, वैसे आप इसे कॉलम में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो मैं जनरली जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है मेरे पास मैं उसे रो में लिख देती हूँ। तो ये जो मेरे पास है फर्स्ट और सेकेंड, ये देखिए जो रो मैंने हेडिंग्स दी है इनको क्या बुलाया जाता है, स्टब्स बोलते हैं इनको, रो हेडिंग्स को बोला जाता है स्टब्स, राइट। अब मेरी कॉलम हेडिंग्स क्या बनने वाली है, यहाँ पर मैं लिखने वाली हूँ बीकॉम ऑनर्स, ये मेरे कैप्शंस हैं, इको ऑनर्स, राइट, एंड द लास्ट इज टोटल। तो एक हमारे पास एक्स्ट्रा बन गया है, इसे इरेज कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें, राइट। चलिए अब हमारे पास डेटा है, बस इसे फिल करना है, क्लियर। अब इस डेटा को फिल कर देते हैं, एक लास्ट कॉलम हमारे पास टोटल का जरूर होगा,
चलिए फटाफट से फिल करते हैं। 2020 में बीकॉम ऑनर्स वाले कितने हैं? देखिए 2020 में बीकॉम ऑनर्स वाले कितने हैं? 240। और 2020 में इको ऑनर्स वाले कितने हैं? 120। अब आप इनका टोटल कर दीजिए, दैट इज 360, राइट। फिर 2021 में आ जाइए, बीकॉम ऑनर्स वाले कितने हैं? 130। और इको ऑनर्स वाले कितने हैं? 320। टोटल कर दीजिए 450। ये आपका रो वाइज टोटल हो गया। अब आप कॉलम वाइज भी टोटल कर दीजिए, 370, ये आ गया 440। फिर इसका भी टोटल कर दीजिए, ये आ गया 810। ये जो टोटल है ये रो वाइज, सॉरी कॉलम वाइज और रो वाइज क्या करेगा आपके पास? मैच करेगा। तो ये बन गया आपके पास सिंपल क्वेश्चन का टेबल। और देखते हैं ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाए इस टॉपिक पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 750 पीपल हु अप्लाइड फॉर जॉब इन रिलायंस इंडस्ट्री, तो 750 लोग हैं जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री में अप्लाई करा है, 150 वर फीमेल्स, आर फीमेल्स। आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स 420 आर ग्रेजुएट्स एंड अदर आर पोस्ट ग्रेजुएट। देखो बहुत क्लियर क्लासिफिकेशन में मिल गया है कि जब हम 750 लोगों की बात कर रहे हैं तो 150 फीमेल्स हैं, तो बाकी के मेल्स हो गए। फिर उसमें ये भी बताया जा रहा है कि ग्रेजुएट कितने हैं और पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, है ना। तो आपको कहता है 420 आर ग्रेजुएट टोटल एप्लीकेंट्स में से एंड अदर्स आर पोस्ट ग्रेजुएट। द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु आर पोस्ट ग्रेजुएट आर 250। टैबुलेट द गिवन इंफॉर्मेशन। सबसे जरूरी है कि अगर आप क्लासिफिकेशन को क्लियर कर लेंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमारे पास यहाँ क्लासिफिकेशन क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो जो क्लासिफिकेशन यहाँ बन रहा है वो क्या बन रहा है कि 750 लोग हैं, ठीक है, जिनमें अगर पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो मुझे फीमेल्स और मेल दिख रहे थे, राइट। तो मैंने क्लासिफिकेशन में क्या लिख दिया है? फीमेल्स और मेल्स। फिर मुझे ये समझ में आया कि फीमेल्स और मेल्स में दोनों में एक और क्लासिफिकेशन है, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो आप पीजी लिख सकते हैं इसको और उसको जी लिख सकते हैं सिर्फ, क्योंकि इसके तो हमें मार्क्स मिलने नहीं। ये तो हमारे लिए टेबल बनाने के लिए एक तरीके का क्लू पार्ट के तौर पर रोल प्ले करेगा। अब आप इस क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल कर दीजिए। 750 टोटल लोग थे, टोटल एप्लीकेंट्स हैं आपके पास। अब फीमेल्स कितनी है ये आपको बहुत क्लियर कट बताया गया था, 150 आर फीमेल्स। तो अब देखिए अगर 150 फीमेल्स हैं तो अगर 750 में से 150 फीमेल्स हैं तो मेल्स कितने हो गए? 600 हो गए, वेरी ऑब्वियस, राइट। फिर उसने आपको दिया 420 आर ग्रेजुएट, टोटल ग्रेजुएट बता रहा है वो, यानी इसका और इसका टोटल बता रहा है। ये हमारे किसी काम का नहीं, आगे चलते हैं, सॉरी काम का तो है लेकिन बाद में काम आएगा। द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु आर पोस्ट ग्रेजुएट, देखो आप मेल पे जाओ और मेल के पोस्ट ग्रेजुएट बड़े क्लियर बता दिए 250। तो अगर 600 में से 250 पोस्ट ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट कितने हो गए? 350 हो गए, क्लियर। अब हमने इस इंफॉर्मेशन का भी इस्तेमाल कर लिया, इसका भी इस्तेमाल कर लिया, और इसका तो पहले ही कर लिया था जब 750 में से 150 माइनस करे थे, बचे थे 420। इसका इस्तेमाल बाकी है, क्वेश्चन में हर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है। तो उसने कहा था 420 टोटल ग्रेजुएट्स हैं, तो मतलब ये वाले ग्रेजुएट और ये वाले ग्रेजुएट का टोटल दे रखा था। तो अगर इन दोनों का टोटल 420 है तो 350 को 420 में से माइनस करेंगे तो हमें फीमेल ग्रेजुएट्स मिल गई 70। अब देखिए 150 फीमेल्स थी, 70 अगर ग्रेजुएट्स हैं, माइनस कर दीजिए, आपके पास 80 ग्रेजुएट्स निकल कर आ जाएंगे, राइट। चलिए बन गया टेबल, सॉरी बन गया हमारे पास चार्ट। अब हमने इस चार्ट को क्या करना है? फटाफट से टेबल में प्रेजेंट करना है, और प्रेजेंट में क्लासिफिकेशन में फीमेल और मेल मैं किस में इस्तेमाल करूंगी? स्टब्स में, यानी रोज में, और कॉलम में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इस्तेमाल करूंगी। आप किसी भी चीज को कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा रो में ही होनी चाहिए। और रो को क्या बोलते हैं? स्टब्स, और कॉलम कैप्शन, याद रहेगा सी फॉर कॉलम सी फॉर कैप्शन। चलिए फटाफट से लिखते हैं इसको। अब हमारी इन्फॉर्मेशन क्या थी? ये डिफरेंट एप्लीकेंट्स थे जो रिलायंस इंडस्ट्री में अप्लाई करें, तो हमें टेबल की हेडिंग लिखनी है। तो हमने यहाँ लिख दिया नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स इन रिलायंस इंडस्ट्री, आप लोग शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हैं तो प्लीज ध्यान रखिए। अब यहां पर क्या है, हमने लिख दिया कैटेगरी, या आप सेक्स भी लिख सकते हैं। तो अब यहां पर हमारे पास आ गया फीमेल और मेल, ये आपके पास जो रो हेडिंग्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं? स्टब्स बोलते हैं। अब कॉलम हेडिंग में हम क्या बनाएंगे? ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, ये आपके पास क्या होगा? कैप्शंस। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है टोटल, राइट। चलिए एक एक्स्ट्रा कॉलम बन जाता है हमसे, चलिए फिल करें इंफॉर्मेशन को। तो अब देखिए फीमेल आपके पास ग्रेजुएट कितनी है? 70, तो यहां पर हमने रख दिया।
और फीमेल पोस्ट ग्रेजुएट कितनी है 80, अब इसका टोटल कर दीजिए 150। सिमिलरली मेल आपके पास ग्रेजुएट कितने हैं 350 और मेल पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं 250, टोटल कर दीजिए 600। ये हमारा जो है रो वाइज टोटल हो गया, हमें यहाँ पर भी टोटल चाहिए, कॉलम वाइज टोटल भी चाहिए, तो कॉलम वाइज टोटल लिख देते हैं। अब इसका टोटल करेंगे 420, इसका टोटल करेंगे आपके पास 330 और यहाँ से टोटल करेंगे 750। ये टोटल ऐसा होता है जो रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों वाइज क्या कर रहा होता है, आपके पास मैच कर रहा होता है। क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। इन अ सैंपल स्टडी अबाउट कॉफी हैबिट्स इन टू टाउन, तो यहाँ पर आपके पास कॉफी हैबिट्स दिखा रहा है ये, राइट? द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वर रिसीव्ड, टाउन ए टाउन बी। तो बहुत क्लियर क्लासिफिकेशन है कि टाउन ए और टाउन बी दो क्लासिफिकेशन आपके पास क्लियर है। फीमेल्स वर 40%, तो टाउन ए में फीमेल और मेल का क्लासिफिकेशन बनाना। टोटल कॉफी ड्रिंकर्स 45% एंड मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर्स, तो बहुत क्लियर कट क्लासिफिकेशन है, टाउन ए टाउन बी, फिर टाउन के अंदर फीमेल और मेल, फिर फीमेल और मेल दोनों के अंदर कॉफी ड्रिंकर और नॉन कॉफी ड्रिंकर बनेंगे। तो थोड़ा आप टेबल जो है वो मुश्किल होता जाएगा धीरे धीरे, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है आपने। तो हम सबसे पहले टाउन ए ले लेते हैं क्योंकि उसके अंदर ही क्लासिफिकेशन थोड़ी ज्यादा हो गई। तो टाउन ए के अंदर हम लिख लेते हैं फीमेल और मेल, और फिर फीमेल में भी आपके पास कॉफी ड्रिंकर है तो उसको हम सीधी लिख देते हैं, और नॉन कॉफी ड्रिंकर है, सेम कॉफी ड्रिंकर और नॉन कॉफी ड्रिंकर। ये चार्ट अगर आपका बन जाए फिर आपको टेबल बनाने में कोई टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि क्लासिफिकेशन पकड़ना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। सेम टाउन बी का बनेगा फीमेल मेल कॉफी ड्रिंकर नॉन कॉफी ड्रिंकर, सेम कॉफी ड्रिंकर नॉन कॉफी ड्रिंकर, राइट? चलिए अब इस इंफॉर्मेशन को रखते हैं हम यहाँ पर। टाउन ए फीमेल्स आर 40%, वर 40%। तो देखिए अगर फीमेल्स 40% है तो परसेंटेज की एक खासियत होती है कि अंडरस्टूड है कि उसका टोटल 100 है। तो अगर फीमेल 40% है तो मेल कितने रहे होंगे 60%, क्योंकि टाउन ए में टोटल लोग जो रहे होंगे उनको हम 100% बुला सकते हैं, राइट? अब वो कहता है कि टोटल कॉफी ड्रिंकर्स, तो टोटल कॉफी ड्रिंकर मतलब फीमेल और मेल दोनों का मिला के बोल रहे हैं। तो अभी हम इस इन्फॉर्मेशन को छोड़ देते हैं, ये इन्फॉर्मेशन हमने यूज कर दी। मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, मेल पे जाइए, नॉन कॉफी ड्रिंकर उसने 20% बता दी। अगर 60 में से 20 नॉन कॉफी ड्रिंकर है तो 40 क्या हो गए, कॉफी ड्रिंकर हो गए। क्लियर? अब आपके पास इस इन्फॉर्मेशन पर आ जाइए वापस। उसने बोला था टोटल कॉफी ड्रिंकर 45% है टाउन में, तो मतलब इसका और इसका टोटल बता रहा था। तो 40 अगर यहाँ आ गए तो 45 में से आप ये माइनस कर देंगे तो 5 यहाँ पर आ गया। सिमिलरली अगर फीमेल 40% थे और 5 कॉफी ड्रिंकर्स हैं तो 35 क्या हो गई आपके पास, नॉन कॉफी ड्रिंकर। यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन में आ गए तो कोई बात नहीं, टाउन बी का समझिए, उससे क्लियर हो जाएगा। सेम टाउन बी में कितने परसेंट लोग होंगे, 100% लोग होंगे। अब वो कहता है मेल 55% है, तो देखिए अगर मेल 55% है तो 100 में से 55 अगर आप माइनस कर देंगे तो फीमेल्स कितनी हो गई, 45% हो गई, राइट? ये क्लियर हो गया। चलिए मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, ये खुद बोल रहा है मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर, तो मेल पे आइए और नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हो गए, 30% हो गए, तो यहाँ पे 30% फिट कर दिया। 55 में से 30 नॉन कॉफी ड्रिंकर है तो आपके पास जो बचे हुए 25% है वो कॉफी ड्रिंकर हो गए। क्लियर? तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमारी यूज हो गई। फिर कहता है फीमेल कॉफी ड्रिंकर, तो फीमेल कॉफी ड्रिंकर कितनी है, 15%। तो अगर हम 45 में से 15 माइनस कर दें तो ये कितना हो गया, 30%। तो यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन जो फ्लो चार्ट है वो कंप्लीट है। अब हमें टेबल बनाना है जो कि इसी इन्फॉर्मेशन से फटाफट पुट हो जाता है, तो इतना मुश्किल हमें नहीं लगता। चलिए अब हमने फटाफट से टेबल क्रिएट कर दिया है। हमें यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है, परसेंटेज में इन्फॉर्मेशन है। तो परसेंटेज ऑफ कॉफी हैबिट्स इन टू टाउन, यहाँ पर से लिख सकते हैं कॉफी हैबिट्स इन टू टाउन, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं परसेंटेज, जैसे हेड नोट होता है, राइट? और ध्यान रखना है कॉलम्स हेडिंग। यहाँ पर हमने सबसे पहले रो क्या लिया, क्योंकि मुझे टाउन ए और टाउन ए बी नजर आ रहा था, तो जो मैंने रो हेडिंग्स बनाई है, देखिए रो हेडिंग्स जो बनाई है कैटेगरी में टाउन ए और टाउन बी बनाई है, इनको बोलते हैं स्टब्स, राइट? और फिर मैंने कॉलम में लिया फीमेल, फीमेल के अंदर एक क्लासिफिकेशन बनाया कॉफी ड्रिंकर और नॉन कॉफी ड्रिंकर, मेल कॉफी ड्रिंकर नॉन कॉफी ड्रिंकर, राइट? जैसा कि क्लासिफिकेशन मुझे नजर आ रहा है। अब मुझे इस इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, तो सबसे पहले टाउन ए में जाएंगे, फीमेल कॉफी ड्रिंकर कितनी है, 5। सिर्फ 5 लिखना जरूरी है क्योंकि ऊपर परसेंटेज मेंशन आपने कर ही दिया, राइट? फीमेल नॉन कॉफी ड्रिंकर कितनी है, 35। सेम मेल कॉफी ड्रिंकर कितने हैं, 40, और नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हैं, 20। क्लियर? और जब आप चार्ट बना रहे हैं तो अगर
आपने कॉफी ड्रिंकर पहले लिखा है तो सारी जगह कॉफी ड्रिंकर पहले लिखिए, नहीं तो फिर टेबल जब आप बनाएंगे तो गलती होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। तो आप हॉरिजॉन्टल टोटल करेंगे तो ये बनेगा 100, राइट। टाउन बी पर आ जाइए, फीमेल कॉफी ड्रिंकर कितनी है, 15 है, और नॉन कॉफी ड्रिंकर 30 है। सिमिलरली मेल कॉफी ड्रिंकर कितने हैं, 25, और मेल नॉन कॉफी ड्रिंकर कितने हैं, 30। आप इसका टोटल करेंगे बनेगा 100। हॉरिजॉन्टल टोटल कर लीजिए, सॉरी वर्टिकल टोटल कर लीजिए, कॉलम वाइज, कॉलम हमेशा स्टैंडिंग होती है, राइट, स्टैंडिंग कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है उसको रो बोला जाता है या स्टब्स बोला जाता है, कॉलम्स खड़े हुए होते हैं हमेशा वर्टिकल। तो ये टोटल आपके पास आ गया 20, दैट इज 65, दैट इज ऑल्सो 65, 50। अब हम इन सबका टोटल करते हैं, ये और ये, कॉलम और रो का, जो कॉलम का टोटल है और जो रो का टोटल है, हमेशा मैच करेगा, ये आ रहा है आपका 200%, राइट। तो ये आपके पास टोटल फिनिश हो गया, क्लियर। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, और बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेकर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं और लास्ट देखते हैं। आउट ऑफ द टोटल 620 पेरेंट्स हु अप्लाइड फॉर द एडमिशन ऑफ देयर चाइल्ड इन अ स्कूल, 130 belong to EWS, economically weaker section category. In the general category, 40 parents of service class. देखिए एक चीज क्लियर हो गई कि यहाँ पर सबसे पहले जनरल क्लास और EWS क्लास का क्लासिफिकेशन है, मतलब टोटैलिटी में EWS अलग है और आपके पास जो है जनरल कैटेगरी अलग है। फिर उसमें आता है सर्विस क्लास, देखिए 40 पेरेंट्स आर सर्विस क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिमेनिंग आर ऑफ बिजनेस क्लास। तो हमें क्लैरिटी हो गई कि हमें क्या क्लासिफिकेशन बनाना है। तो हमें ये क्लियर है कि 620 टोटल पेरेंट्स है, राइट। जो पहला क्लासिफिकेशन बहुत क्लियर कट नजर आ रहा है क्वेश्चन को रीड कर, वो ये नजर आ रहा है कि EWS कैटेगरी के पेरेंट्स हैं और जर्नल कैटेगरी के पेरेंट्स हैं, राइट। फिर उसमें दिख रहा है 40 पेरेंट्स आर ऑफ सर्विस क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिमेनिंग ऑफ बिजनेस क्लास। इसका मतलब यहाँ पर तीन क्लासिफिकेशन आपके पास बड़े क्लियर कट है। एक है आपके पास सर्विस क्लास, देखिए हम शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, प्लीज आप अपने पेपर में एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म नहीं लिख सकते हैं, यहाँ टाइम कम लगे और फटाफट समझ में आए, सिर्फ इसीलिए शॉर्ट फॉर्म्स है, राइट। सर्विस क्लास, राइट, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए हम लिख रहे हैं SE, और आपके पास बिजनेस क्लास के लिए हो गया आपके पास, सिर्फ ये लिख देते हैं बिजनेस, क्लियर हो जाएगा, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आ जाते हैं, ये हो गया आपके पास सर्विस क्लास, ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉयड, और बिजनेस क्लास के लिए हमने लिख दिया BS, right? चलिए अब क्लासिफिकेशन बनाते हैं। तो कहते हैं 620 पेरेंट्स हैं, क्लियर है, 130 belongs to EWS, तो अगर 130 EWS से belong करते हैं तो 620 में से 130 हम लोग अगर subtract कर दें तो 490 general class के हो गए, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। तो आपने 130 का इस्तेमाल कर लिया है और 620 का इस्तेमाल कर लिया, आप टेबल में प्रिंट करके जो टिक करके रख सकते हैं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी इन्फॉर्मेशन अभी बाकी है जिसको आपने इस्तेमाल नहीं करा है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आप मेरा टेबल इसी वजह से इनकम्प्लीट रह गया था। तो कहता है इन द जनरल कैटेगरी 40 पेरेंट्स आर ऑफ सर्विस क्लास, तो उसने खुद बोला जनरल कैटेगरी में 40 पेरेंट्स सर्विस क्लास की है, तो मैंने 40 पेरेंट्स यहाँ रख दिए। 180 आर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो 180 सेल्फ एम्प्लॉयड में आ गए। अब उसने कहा रिमेनिंग आर ऑफ द बिजनेस क्लास, तो वेरी ऑब्वियस कि आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 490 में से 40 को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बिजनेस क्लास के हमारे पास आ गए 270। इज इट ओके, क्लियर। तो ये क्लियर हो गया हमारा, तो हमारे पास 40 भी हो गया, 180 भी हो गया। अब आपके पास आया EWS कैटेगरी में 94 पेरेंट बिलोंग टू द सर्विस क्लास, तो सर्विस क्लास हमारे पास 94 पेरेंट्स अपने यहाँ रख दिए। टोटल बिजनेस क्लास आर 300, तो टोटल बिजनेस क्लास इसका मतलब ये वाला और ये वाला टोटल बता रहा है, तो 270 अगर यहाँ आ गए तो 300 में से यहाँ पर कितने आ जाएंगे, 30 आ गए, क्लियर। अब 130 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास बचे हुए यहाँ पर 6 आ जाएंगे सर्विस, सॉरी सेल्फ एम्प्लॉयड में 130 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। तो हमारा जो ये टेबल है ये क्या दिखा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन। तो यहाँ पर हम टेबल की हेडिंग डाल देते हैं, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन या नंबर ऑफ भी लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडमिशन। अब हमने रोज में क्या क्लासिफिकेशन देना है, देखिए आपको पता है कि हम जनरली जो फर्स्ट हमें दिखता है उसे रोज में डाल देते हैं, EWS और जनरल कैटेगरी हमने यहां रख दिया, ठीक है। उसके बाद जो उसमें क्लासिफिकेशन है वो है आपके पास सर्विस क्लास, सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस क्लास, राइट। और यहां पर हमारे पास आ जाएगा टोटल का कॉलम, और यहां पर भी हमारे पास आ गया टोटल का कॉलम। अब आप इस वैल्यूज को पुट कर दीजिए, आपका टेबल कंप्लीट हो जाएगा।
तो EWS में जो आपके पास सर्विस क्लास वाले हैं वो है 94, सेल्फ एम्प्लॉयड है 6 और 30 आपके पास बिजनेस क्लास, राइट। और टोटल हमें पता है 130 है इसका, क्लियर। चलिए अब जनरल क्लास में आ जाइए। जनरल क्लास में आपके पास है सर्विस क्लास 40 और सेल्फ एम्प्लॉयड 180 और 270 बिजनेस क्लास, तो इसका टोटल आ गया हमारे पास 490। तो ये हमने रो वाइज जो है टोटल कर लिया, कॉलम वाइज कॉलम कैप्शंस 134, 186, 300, और जब हम इन तीनों का और इनका टोटल करेंगे तो ये मैच करेगा 620। तो आई होप आपको इसके जो सिंपल क्वेश्चंस है वो क्लियर रहे हो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके से डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपका इस पे बेस बना है तभी आपको वो क्लियर होगी। तो बेसिकली तो क्लासिफिकेशन यानी ये जो फ्लो चार्ट हम लोग बना रहे हैं ना, ये बनाना मेन है। अगर आपने फ्लो चार्ट बना लिया तो टेबल तो बहुत आसान है, सिर्फ इसकी वैल्यूज उठा के पुट करनी है। फ्लो चार्ट में आपको पकड़ बनानी है, ठीक है जी। चलिए अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे तो कृपया अपना कीमती समय निकालकर इन्हें शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग विवा क्लासेस।